दोस्तों आपने इंटरनेट के बारे में सुना ही होगा और आप ये कई बार सोचते होंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट का मालिक कौन है और ये कैसे ऑपरेट होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है और हमारा सारा डाटा कहाँ सेव होता है तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर बात करते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है तो इंटरनेट समुद्र में जो केबल्स बिछी हुई है जिन्हें हम सबमरीन केबल्स भी कहते हैं उनके जरिए काम करते हैं। आखिर केबल जाके आगे जुड़ती गए तो वो केबल आगे जाके किसी डेटा सेंटर या किसी सर्वर में जुड़ती है। डेटा सेंटर या फिर सर्वर के बारे में वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अब बात करते हैं कि ये डेटा सेंटर में केबल जुड़ती है तो ये आपको इंटरनेट कैसे पहुँचाती है। मान लो आपने कोई फोटो अपलोड की फेसबुक पर या फिर किसी और साइट पर, वो फोटो जाके सीधी डेटा सेंटर में अपलोड हो गई। अगर आप उसे फिर से खोलना चाहते हैं तो उन्हीं केबल्स के जरिए वो आपको फोटो सीधी आपके शहर देश में पहुंच जाएगी। और उसी आप मान लो आप इंडिया में रह रहे हो तो वो सबमरीन केबल्स के जरिए आपका डेटा इंडिया में पहुंचेगा। इंडिया से आपके जो ISP होंगे या फिर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, ये आपको वहाँ से सबमरीन केबल से वो आगे फाइबर केबल डालते हैं आपके शहर तक। उन फाइबर केबल से वो उसके पास में एक टावर लगाते हैं जो आपको मोबाइल में डेटा पहुंचाता है। और अब मान लो आपने खोला वो फोटो तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके ISP के पास, यानी कि आपके पास जो पास में जो टावर लगा है उसके पास, उस टावर से वो इन्फॉर्मेशन जाएगी सीधा सी वेव्स में सबमरीन केबल के पास। वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जाएगी सीधी डेटा सेंटर में जो किसी भी देश में हो सकता है। और अगर उसके बाद वो वहाँ से आपको तस्वीर भेजेंगे जो आपने खोली है, वो तस्वीर सीधी आपके ISP के पास पहुँचेगी, ISP से वो तस्वीर सीधी आपके पास आ जाएगी। ये होती है इंटरनेट की काम करने की प्रोसेस। आपने कोई इन्फॉर्मेशन खोजी वो सीधी सबमरीन केबल के जरिए होते हुए आपके डेटा सेंटर में चली जाती है, उस डेटा सेंटर से वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती है। ये होते हैं इंटरनेट का काम। और अब बात करते हैं कि ये प्रोसेसेस कैसे हैंडल की जाती है। इतनी सारी प्रोसेस, दुनिया में करोड़ों और वो कंप्यूटर्स हैं और मोबाइल्स हैं, उनके जरिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की जा सकती है। एक जो सबमरीन केबल होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ करोड़ों डिवाइस एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं जिसके कारण आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी स्पीड में आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो आपके पास सेकेंडों में, चंद सेकेंडों में पहुँच जाती है। ये बहुत फास्ट प्रक्रिया होती है। आप सोच रहे हो कि जो इन्फॉर्मेशन ISP के पास आती है वो क्या ISP नहीं दे सकता? नहीं, ISP उस इन्फॉर्मेशन को नहीं दे सकता। इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप ही दे सकते हैं क्योंकि आपने ही उसके लिए रिक्वेस्ट की है। ये इन्फॉर्मेशन सीधी वहाँ से आ जाती है। ये होता है इंटरनेट का काम। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।